नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त तिलोजा जेल में सर रहे हैं और उनके साथ क्या होने वाला है ये हम सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ पिठानी ने नाम लिया था इम्तियाज खत्री का। इम्तियाज खत्री वही शख्स है जो अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेटेड है और इम्तियाज खत्री वही शख्स है जो सुशांत के मौत के बाद से लेके अब तक गायब है। तो उनको पकड़ने के लिए एनसीबी और सीबीआई दोनों ही लगी है। और कुछ ही दिन पहले एनसीबी ने हरीश खान को गिरफ्तार किया था। हरीश खान बैंड्रा के एक ड्रग डीलर है और उनका जो कनेक्शन है वो डी कंपनी के साथ है, दाऊद इब्राहिम के साथ है। हरीश खान के मोबाइल में काफ़ी सारे हथियारों के फोटोज भी एनसीबी को बरामद हुए थे। तो हरीश खान का सीधा वास्ता इम्तियाज खत्री के साथ भी है और मुझे ये लगता है कि हरीश खान से एनसीबी को इम्तियाज खत्री के बारे में सारी डिटेल्स बरामद हो जाएगी। इसी बीच मैं ये फोटो देखता हूँ जहाँ पे इम्तियाज खत्री के साथ है बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन। दोस्तों, सिर्फ ऋतिक रोशन नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स इम्तियाज खत्री के साथ फोटो खिंचवाते थे। तो इम्तियाज खत्री के साथ जो लोग क्लोज थे, मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ ड्रग्स का भी एक कनेक्शन था। और ऋतिक रोशन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। अगर आपको याद हो तो रिपब्लिक नाउ में जब कंगना रनौत आई थी सुशांत के मौत के बाद, बॉलीवुड का ये जो ड्रग्स कल्चर है इसके बारे में जब इन्होंने जिक्र किया था, कंगना ने अर्णब गोस्वामी से ये बोला था कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, उनको एक बार अस्पताल जाना पड़ा था, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में कोकेन का सेवन किया था। बहुत ज़्यादा कोकेन लेने के कारण उनको दौरा पड़ा था और उनको अस्पताल पहुँचाया गया था। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी मैगजीन में नहीं छपी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको बंद दरवाजे के अंदर रखा गया था और ये बॉलीवुड के टॉप सीक्रेट्स में से एक है। कंगना ने यह भी बताया था कि ये जो शख्स है ये किसी बड़े बाप की औलाद है। तो मुझे जो लगता है, कंगना भी ऋतिक रोशन के बारे में बात कर रही थी और यहाँ पे इम्तियाज खत्री के साथ ऋतिक रोशन का ये क्लोज होना इस बात का सबूत है कि ज़रूर डाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो इम्तियाज खत्री क्या बॉलीवुड के सारे स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई करते थे? क्यों इम्तियाज खत्री सुशांत को इतना डोमिनेट कर रहे थे? आखिर यहाँ पे माजरा क्या है? क्या अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को अभी भी कंट्रोल करता है? इन सब सवाल के जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है। जैसे आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी तिलोजा जेल में है और जितने सारे लोग सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है वो सब अभी जेल जाएंगे और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द सुशांत के कातिलों को सज़ा मिलेगी और सुशांत की आत्मा को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों।